अरावली की पहाड़ियों में चल रहे सूरजकुंड मेले में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों की पत्नियां पहुंची। इस दौरान मंत्रियों की पत्नियों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। मेले से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जाना, रिपोर्ट देखिए। कला और संस्कृति के संगम अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की रौनक हर किसी को अपनी ओर खींचती है। मेले के बारे में सुनकर हर कोई मेले को जरूर देखना चाहता है। ऐसे में देश के तकरीबन आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों की पत्नियां भी अपने आप को मेले के आकर्षण से नहीं बचा पाई और हरियाणा से केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता के साथ मेले में खींची चली आई। हमारे सरोज साहब बता रहे थे कि हम विदेश में गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के बारे में पूछा हमारे से कि कब आपका शुरू हो रहा है, और इसमें कम से कम 28 तो देशों ने पार्टिसिपेट किया है और यूपी हमारा पार्टनर स्टेट है और किर्गिस्तान हमारा पार्टनर नेशन है। तो और हजारों के लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और आज हम सब सखियाँ यहाँ पे क्राफ्ट मेला देखने आई हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा की धरती पे अलग अलग स्टेट की है ये। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, चौधरी बीरेंद्र सिंह, संजीव बालियान की पत्नियों समेत करीब आधा दर्जन मंत्रियों की पत्नियों ने मेले में दस्तक दी, जहां उनका स्वागत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया। मंत्रियों की पत्नियों ने मेले में उत्तर प्रदेश का अपना घर देखा और मथुरा से आए राधा कृष्ण के साथ फोटो भी कराई। वहीं बनारस के घाटों में पंडितों ने मंत्र उच्चारण कर उनका तिलक किया। इसके बाद हरियाणा के अपना घर में सभी ने देशी चीजों के बारे में जाना और फिर हरियाणवी पगड़ी बंधवा कर जमकर फोटो कराए। वहीं मंत्रियों की पत्नियों ने हरियाणवी रसोई में जाकर खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ भी की। खाना बहुत अच्छा लगा, आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी थी, जलेबी बहुत अच्छी है, कढ़ी बहुत अच्छी है। हरियाणा का तो हरियाणा इज नॉन फॉर उसका दूध दही घी ये सब के लिए और बहुत रिच फूड यहाँ मिलता है, यहाँ बहुत पहलवान लोग थे इसलिए आपने अभी दूध भी पिलाया। केंद्रीय मंत्रियों की पत्नियों ने बड़ी चौपाल पर मेले में कंट्री पार्टनर किर्गिस्तान की छोटी छोटी बच्चियों की सांस्कृतिक प्रस्तुति का आनंद लिया, साथ ही मेले का जमकर लुत्फ उठाया। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।